फिलहाल इन तमाम जानकारी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण पी सिकरवार, जो कि वैज्ञानिक है, वो हमें अच्छे तरीके से समझाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर चीजें होने वाली है। सर, आपका जनसत्ता में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, धन्यवाद निहारिका। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके स्टूडियो से जुड़ रहा हूँ आज। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जी यस, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये लैंडिंग का प्रोसेस है वो बताया जा रहा है कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है, और जो लास्ट के 15 से 17 मिनट है उन्हें यहाँ पर मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, ऐसा क्यों? और जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो भी, जो उन पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो काफी खतरनाक लग रहे हैं, तो जो ये लैंडिंग का प्रोसेस एक बार दर्शकों को अच्छे से समझा दे। देखिए, ये लैंडिंग का प्रोसीजर, इसका मेन जो अगर चंद्रयान मिशन को अगर देखें तो लैंडिंग का जो पैटर्न है, जो स्पेशली 17 मिनट 21 सेकंड का एक प्रोग्राम कल होगा जो रन होना है, वो ही मेन है इसमें। ये इसके साथ 7 स्टेप्स हैं। पहले देयर आर ब्रेकिंग फेजेस देयर, उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज, देन फाइन ब्रेकिंग फेज, और उसके बाद फिर फाइनली देयर 5 स्टेप्स। तो इस तरह से अभी जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो करीब 30 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस पर होगा मून से, और ये जो प्रोग्रामिंग है करीब 17 मिनट 21 सेकंड का लैंडर के पास 2 घंटे पहले तय होगा, करीब करीब 3:45 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये तय होगा, और वो सॉफ्टवेयर को ISDN इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू उसका कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये अपने आप ऑटो मोड पर एक तरह से रहेगा। जो 17 मिनट 21 सेकंड का प्रोग्राम है वो 7 स्टेप्स में मैंने आपको बताया, वो पहले 30 किलोमीटर से पहले लैंडर रफ ब्रेकिंग फेज में करीब 7.4 किलोमीटर पे आ जाएगा, उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज पर ये 7.4 से 6.8 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ पर एक कुछ सेकंड रुकेगा, और उसके बाद 6.8 किलोमीटर से फिर फाइन ट्यूनिंग फेज में 800 मीटर पाएगा। इस तरह से 800 मीटर पर फिर रुक के ये 150 मीटर पाएगा, 150 मीटर से फिर 60 मीटर, 60 मीटर से 10 मीटर, और 10 मीटर के बाद वो फाइनल स्टेप होगा, जब 10 मीटर मतलब करीब 30 फीट से वो मून की सतह पर उतरेगा। अब ये जो मून पर उतरने का जो पीरियड है वो 6:04, 6:05 पर हो रहा होगा, और मुझे लगता है कोई 1 मिनट के डिले से ही सही, बट ये चित्र और ये वीडियो इसरो अपने वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और सभी टीवी चैनल पर ये प्रसारित हो रहा होगा। रहा आपने चंद्रमा की सतह के बहुत सारे फोटो देखे, ये ग्रे और या ब्लैक इस मिट्टी के पार्ट है। सर, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो इसरो ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की है, उसमें ये जो तस्वीरें, उसमें जो गड्ढे हैं वो बेहद खतरनाक नजर आते हैं, इसलिए सवाल ये भी उठता है, और पहले भी कहा जा रहा था कि जो साउथ पोल है वो बेहद खतरनाक है और गड्ढे इतने ज्यादा गहरे यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे, तो सामने से तो और ज्यादा ये गहरे होंगे, तो वहां पर लैंडिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा? देखिए, ये जो फोटो है वो करीब 100 किलोमीटर के ऊपर से है, तो ये जो छोटा सा गड्ढा जो आपको दिख रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा सा कुछ मीटर या सेंटीमीटर का, ये एक एक गड्ढा खुद भी ये 1 किलोमीटर का भी हो सकता है और कई किलोमीटर का हो सकता है। ये जो जगह के नाम है हीरामाया या मैंजनेस, या कल जैसे हमारा ये मैंजनेस के पास उतर रहा होगा, ये गड्ढे भी काफी बड़े हो सकते हैं। ये चंद्रमा का करीब 45% एरिया हमेशा डार्क रहता है पीछे वाला, और उसका आगे का वाला पार्ट लाइक 55% एरिया हमेशा लिट रहता है, उस पर सूर्य की किरणें आती हैं, और जो भूमध्य रेखा के पास जो इक्वेटर पर जो जगह है वो स्मूथ है, जहाँ पे कि अपोलो और ल्यूना मिशन पहले किए गए हैं, जहाँ पे मनुष्य भी चंद्रमा पर पहुंचा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि चंद्रयान 3 हमारा, हमने जानबूझ के या इसे अपने तरीके से डिजाइन करके साउथ पोल पर भेजना है, सो दैट वहां पर, क्योंकि पानी की मात्रा का पहले ही चंद्रयान 1 ने ऐसा हिंट दे दिया था, तो उसके बारे में और से ज्यादा इन सिटू एक्सपेरिमेंटेशन किए जा सके। तो क्योंकि ये जगह वहां पर पानी तो है नहीं, फ्री वाटर, तो ये मिट्टी रिकॉर्ड बहुत ही फाइन, जैसे कि कोई टेलकम पाउडर यूज करते हैं इस तरह के हैं, बट ये गड्ढे कैसे बने ये भी एक अभी हमारा जो पेलोड है वो स्टडी करेगा कि ऐसे चंद्रमा की सतह पर ऐसा क्यों है, ये गड्ढे कैसे बने, क्या इनका पानी होने से कोई संबंध है, इस तरह से ये स्टडी किया जाएगा। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि चंद्रयान 2 भले ही फेल हो गया, लेकिन अब चंद्रयान 3 की यहाँ पर लैंडिंग के लिए वो उसकी मदद कर रहा है, खबर आई कि जो उसका ऑर्बिटर था जो पहले से वहां पर चक्कर लगा रहा था वो उससे अब लैंडर का कम्युनिकेशन, 2-way कम्युनिकेशन अब साध लिया गया है, तो इसके क्या मायने होते हैं?
पहले तो नियार का हमें फेलियर नहीं बोलना चाहिए, चंद्रयान 2 फेल था ही नहीं, अगर फेलियर था तो उसका ऑर्बिटर अभी यूज नहीं हो रहा होता। एंड चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही है जिसने के लैक्स ऑफ फोटोग्राफ्स वहाँ पे पूरा टेरेन मैपिंग कर रखा है साउथ पोल का, वो सभी मदद कर रहा है अभी हमें चूज करने के लिए चंद्रयान 3 में। नंबर 2 यही ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का हमारे लिए कनेक्शन का काम करेगा, कम्युनिकेशन रिले का काम करेगा। तो विक्रम लैंडर क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बॉडी नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा पावर सिस्टम नहीं है, तो वो अर्थ पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो कॉन्टेक्ट हमें अपने विक्रम जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का उसके थ्रू करेगा, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, वो हमें लाइव टेलीकास्ट से संबंधित वो वीडियोस फोटोज और वो सभी काम कर रहा होगा। और चंद्रयान 2 कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, या वो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ विक्रम लैंडर प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तो 90% तो सक्सेसफुल था एंड वो अभी भी काम कर रहा है। उसकी लाइफ करीब 7 ईयर्स है ऑर्बिटर की, वो 2026 तक अभी काम भी करेगा चंद्रमा की ऑर्बिटर में। सर, ये कहा गया कि यहाँ पर जो अगर 23 अगस्त को किसी वजह से, हालांकि यहाँ पर माना जा रहा है कि लैंड हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से लैंड नहीं हो पाता है तो 27 तारीख जो है वो रिजर्व की गई। सर, मेरा सवाल ये है कि हमने अगला दिन ही क्यों नहीं रखा, 27 तारीख क्यों यहाँ पर अगले प्रयास के लिए रखा गया है? देखिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एक फिनोमेना है साइंस के पर्व्यू में। ऐसा नहीं है कि कोई अभी उतारे या कभी उतारे, ये इसके लिए प्लान भी पहले से रखा गया था। तो चंद्रयान 3 एक फेलियर बेस्ड डिजाइनिंग के तहत है, जैसा कि चंद्रयान 2 सक्सेस बेस्ड डिजाइन था, ये फेलियर बेस्ड डिजाइन है। तो यहाँ पर ये चीज सोच के रखा गया था कि 2 घंटे पहले ये तय होगा, कल 3:30 या 3:40 तक इसको ये बता देगा कि लैंडिंग अभी होना है या नहीं होना है। अगर होगा तो 3:30 तक ये मैसेज आ चुका होगा इसरो से। इसके लिए अभी जो जगह है उस जगह से करीब 400 किलोमीटर दूर दूसरे स्पॉट भी प्लान बी में रखा गया है, और इस तरह से रखा गया कि वो 400 किलोमीटर की दूरी भी उतने पार हो जाएगी अगले 4 दिनों में, सो दैट जो सनराइज होगा उस जगह, पहला सनराइज होगा वो उस जगह पर 27 तारीख को पड़ रहा होगा, क्योंकि हमें अपने लैंडर और रोवर के लिए 14 दिन का पीरियड रखना है जो कि लूनर डे है, मतलब अर्थ के 14 दिन के बराबर, तो उसे पहला दिन ही मिले 27 तारीख को, तो इसलिए हम उस जगह को बदल देंगे और ये लैंडर को दूसरी जगह जाने के लिए आदेशित किया जाएगा। लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। अभी जो भी इसरो की रिपोर्ट्स हैं वो सभी ये बता रहे हैं कि पेलोड एंड मशीन सब कुछ अच्छी तरह से काम कर रहा है, इट्स टोटली परफेक्टली वर्किंग एंड इट इज एक्सेप्टिंग आवर इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ सही रहा, तो ये कल ही लैंडिंग हो रहा होगा 6:05 पर। जी सर, तमाम तस्वीरें जो है वो लगातार आ रही हैं, तो इसमें 2 तरीके के जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, LHDAC और LPDC, इनके बारे में दर्शकों को एक बार बताएं कि ये कैमरे क्या है, क्योंकि इनकी खासियत को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ पे 2 ही तरह के कैमरे नहीं है, यहाँ पे बल्कि कई तरह के कैमरे हैं, जैसे हजार डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, और ये नीचे की ओर देखने के लिए कि मैम जहाँ पे सतह पर उतरना वहाँ के, एंड वो हाई पिक्सल कैमरा है। उसके पास 2 तरह का सिस्टम है, एक सिस्टम में ये जैसे गूगल मैप की तरह से पूरे एरिया को मैप करके उसके सॉफ्टवेयर को दिया गया, दूसरा वो खुद अपने फोटोग्राफ्स ले रहा है और ये कंपैरिजन कर रहा है कि हाँ ये जो स्पॉट हमें जियोग्राफिकल जो पोजीशन दिए गए उनको मैच करके वो पॉइंट्स है। तो इस तरह से इसके कैमरे का सी, वहां पर कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं वहां पे कोई मदद करने के लिए, एवरीथिंग एक मशीन को करना है, तो वहां पर कैमरे ही उसकी आंख है, और उन आंखों का एक पार्ट हिस्सा आईस ट्रैक के थ्रू दैट इज इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो बैंगलोर में वहाँ पर आ रहा है, वहाँ से साइंटिस्ट से कमांड कर रहे हैं एंड इसे 24 आवर रखा जा रहा है ऑब्जर्वेशन में, एंड वो फोटोग्राफ्स उसे मदद करेंगे नीचे उतरने के लिए। ऐसे ही 2 कैमरे ऐसे भी हैं कि जब प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाएगा लैंडर से तो उसके बाद वो अपनी सेल्फी भी लेंगे, एक दूसरे का फोटो भी लेंगे इसे दिखाते हुए कि लैंडर इस एंड रोवर एक दूसरे की फोटो लेंगे, एंड वो सेल्फी मुझे लगता है वेरी क्विकली वो रिलीज हो जाएंगे इसरो के साइट पर और वो हमें दिख रहे होंगे। जी निहारिका,
सर यहाँ पर इसरो के चेयरपर्सन का बयान पहले आया था 9 अगस्त को कि जब कि यहाँ पर अगर सेंसर काम करना बंद कर देते हैं या उसमें जो 2 इंजन है, मतलब हालांकि 4 इंजन है, अगर 2 इंजन खराब हो जाते हैं और तमाम चीजें अगर फेल हो जाती है, फिर भी जो लैंडर है वो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो लैंड कर ही लेगा, तो अगर इन तकनीकी खामी के बाद भी वो लैंड करता है तो इसरो से कम्युनिकेशन होता रहेगा? बिल्कुल, एक्चुअली जो लास्ट के स्टेप है वो एक ऑटो मोड पर होंगे, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, ओनली वी कैन ऑब्जर्व, हम इसे देख रहे होंगे कि ये कमांड ले रहा है और अपने आप वर्कआउट कर रहा है, लेकिन उसमें इस तरह का फीलर बेस्ड डिजाइनिंग में ऐसे कई स्टेप्स रखे गए कि अगर कोई स्टेप गलत भी होता है तो दूसरा स्टेप ये डिटेक्ट कर लेगा कि कहीं पर कोई गलती हो रही है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे मल्टीपल लेयर्ड में एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा गया है। तो इस बार ये इसलिए ऐसा रखा गया था कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और वर्चुअली हम 100% ये सक्सेस पाएं कल और चंद्रमा पर पहला लैंडिंग भारत के नाम हो जाए साउथ पोल पर जाने के लिए। जी जी सर, यहाँ पर अगर जो लैंडिंग है वो सॉफ्टली हो जाती है उसके बाद भी कहा जा रहा है कि तमाम जो मुश्किलें हैं वो अभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि लैंडर के लिए अभी भी मुश्किल है क्योंकि वहां पर तापमान जो है वो काफी सीवियर है और मशीन वो तापमान झेल पाएंगी कि नहीं, इन तरह की तमाम जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही कि लैंडर के लिए अभी मुश्किलें जो है वो कल खत्म नहीं होंगी, आगे भी है कई मुश्किलें। इन चीजों को सोच के ही कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उसमें मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ लोगों का एक इंटेलेक्चुअल लेवल का ज्ञान भरा जाता है और सब चीजें सोची भी जाती हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा, क्योंकि उस दिन फर्स्ट डे हो रहा होगा 23rd का, मतलब उस स्पॉट पर चंद्र सूर्य की किरणें स्टार्ट हो रही होंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं होगा। एंड दूसरा इसमें क्योंकि मोल्डर्स हैं और ये पीछे की ओर है 70 डिग्री के करीब पीछे की ओर है, तो यहाँ पे स्लांटिंग वेज आती है, मीन्स तिरछी हुई सूर्य की किरणें आती हैं, तो उनसे ज्यादा लॉस की संभावना नहीं है, उनसे ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि दिल्ली में जनवरी मंथ में जो सूरज की रोशनी है वो स्लांटिंग होती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं फील होती है, तो लेकिन ये पता हुआ है हमें सब उसका मैपिंग पता है, टेरेन मैपिंग, और हमारे सोलर पैनल्स के लिए इनफ वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सब उनके पैनल और काम करेंगे। प्रॉब्लम आएगी अगर सोलर पैनल पर ज्यादा से ज्यादा डस्ट चिपक गई, जब वो विक्रम लैंडर उतरेगा तो पाउडरी फॉर्म की सॉइल ऊपर उठेगी, जब ये देखना है कि वो कितना सारा पैनल को ब्लॉक करता है, बट उसके लिए भी अरेंजमेंट किए गए हैं कि वो पैनल से डस्ट को कुछ समय बाद हटाने के लिए उस पर लाइक वाइजर काइंड के इंस्ट्रूमेंट है सो दैट सोलर लाइट आती रहे पैनल पे और मशीन काम करती रहे, उन सभी चीजों को सोचा गया है। सर यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगी कि चंद्रयान 2 और 3 में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि कहा गया कि उनमें जो चीजें थी अब कई चीजें बदली गई है, एक बार दर्शकों को बता दे कि दोनों में किस तरह की डिफरेंस और क्या नई चीजें जो है वो चंद्रयान 3 में लगाई गई। देखिए जब चंद्रयान 2 गया था तो उसके पास जो टेरेन मैपिंग दिया गया था वो दूसरे कंट्री के सैटेलाइट के डेटा को फीड किया गया था, जबकि अभी चंद्रयान 3 में जो डेटा फीड किया गया है एरिया का मैप वो सभी चंद्रयान 2 के ही है। चंद्रयान 2 का जो एरिया रखा गया था जहाँ पे लैंड करना है वो एरिया था 0.5 किलोमीटर x 0.5 किलोमीटर, मीन 500 मीटर × 500 मीटर, जबकि इस बार उससे 10 गुना ज्यादा स्पेस दिया गया, इस बार 2.5 किलोमीटर × 4 किलोमीटर का पूरा एरिया के लिए इनबिल्ट है। दूसरा लास्ट टाइम उसके जो पैर थे, जो लेग्स थे विक्रम लैंडर के, वो उतने मजबूत नहीं थे, इस बार उनकी मजबूती कई गुना ज्यादा है, तो इस बार 3 मीटर/सेकंड की गति को भी वो झेल सकेंगे, इतना मजबूत पैर दिया गया है विक्रम लैंडर का जो कि पिछली बार नहीं था। इसके अलावा विक्रम लैंडर की जो डिजाइनिंग है वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है इस बार, मतलब फेल होने की बहुत कम चांस है, जबकि चंद्रयान 2 में यही चीज सक्सेस बेस्ड अटेम्प्ट के लिए था। तो इस तरह से कई सारे चेंजेस हैं और बल्कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हेल्प कर रहा है, और हाँ पहले हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था चंद्रयान 2 के समय, हम पहली बार एक अनजान जगह अनजान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 2 का है जो अभी हमें मदद कर रहा है, और हमारे पास अगले 4 साल का इन्फॉर्मेशन का एक ज्यादा भाग भी है क्योंकि हमने 4 साल में और ज्यादा रिसर्च किया इसरो ने, तो वो सब भी चीजें इनबिल्ट की गई है, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन नाउ। सर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछूं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मून पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, कई तरह के मिशन किए जा रहे हैं, क्या वाकई वहां पर कुछ ऐसा है जिससे मानव जीवन जो है वो पूरी तरह बदल जाएगा? हमें नहीं पता ये एग्जैक्टली और कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ल्यूनर रेयर मून में, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही रेयर मून एलिमेंट्स हो सकते हैं,
एंड हमें नहीं पता उनमें से कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम करने के लिए बेटर हो बजाय सिलिकॉन से। दूसरा भाव का जो पानी की अगर खोज पूरी होती है तो मून पर अगर हमें और भी ज्यादा ग्रहों पर जाना है, ये तो चंद्रमा ही है, जैसे मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह, तो ये एक एक स्टॉप ओवर बनेगा जहाँ पे कुछ लोग रुके, जैसे कि बीच में रुकते हैं कहीं पर चाय पीने के लिए, इस तरह से हर तब ह्यूमन यहाँ पर रुका करेंगे और रिफिल क्या करेंगे, क्योंकि वाटर अगर है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उससे बनाई जा सकती है केमिकल रिएक्शन से, एंड क्रायोजेनिक इंजन जो होता है सैटेलाइट का उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तरल पदार्थ में या लिक्विडिफाइड ही यूज होती है, तो इसका मतलब हम रेप्लेनिश कर सकते हैं अपने रॉकेट को और स्पेस में और दूर तक जा सकते हैं। और इसके अलावा मून क्योंकि बाहर क्योंकि हमें सामने से दिखता है मून की हम पोइट्री प्रोज वहाँ पे इनकी तारीफ सुनते हैं, तो मून पर जाने के लिए भी सपना पूरा होगा और ह्यूमंस हो सकता है स्पेस टूरिज्म स्टार्ट हो जाए, कल को क्या पता कि आपको एक्स वाई जेड अमाउंट के साथ आपको चंद्रमा दिखाने के लिए ले जाया जाए और आप लौट के आए, तो इसे मून इकोनॉमी एक नया टर्म दिया गया अभी या लूना इकोनॉमी करके एक वो भी जनरेट होगी और इससे स्पेस में जाने की होड़ भी बढ़ जाएगी, प्राइवेट कंपनीज एड अप हो जाएंगी, वो भी अपने अपने नई चीजें स्टार्ट करेंगे। सर एक और मेरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि अगर यहाँ पर सब कुछ सक्सेसफुल होता है और तमाम चीजें जैसा आपने बोला कि यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें शुरू हो जाएंगी और वहां पर अगर कोई खनिज पदार्थ मिलते हैं तो वहां पर अगर हम माइनिंग करना शुरू करेंगे तो क्या चांद को इससे नुकसान पहुंचेगा और अभी भी हम बहुत सारे मिशन लगातार कर रहे हैं? एक्चुअली एक ट्रीटी है 1965 किसी भी बाहर आउटर सेलेस्टियल बॉडीज को कभी भी अपना हक नहीं जताएगा, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए जाया जाएगा। अगर इंडिया जाता है या कोई और भी कंट्री जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जगह है या हमारी बपौती है या हम पहले आए, वो सभी के लिए, ये इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज नॉट फॉर वन कंट्री। दूसरा माइनिंग ऐसे नहीं है कि माइनिंग वहां से ट्रक भर के लाया जाएगा, माइनिंग वहीं पर करके कुछ सब्सटेंस लाया जा सकता है, जैसे अभी हीलियम की बात हो रही है 2He3, हीलियम अगर लाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो हम ऐसे सोचे कि अगर हम 1 kg या 1 कुछ अमाउंट लिटिल अमाउंट हीलियम ले आए वहां से तो यहाँ पे हमारे बिजली घर एक साल तक चल सकते हैं, कोयला से ज्यादा अच्छे चल सकते हैं, या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कुछ या न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए कोई ऐसी मेटल पता नहीं वहां पे मिल जाए हमें कि वो हमारे लिए ह्यूमैनिटी के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए अच्छा हो जाए, तो ये सारे ऑप्शंस ओपन है, ये हमें पता नहीं लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे, यही तो ह्यूमन नेचर है। जी नहीं आरका आई थिंक सर मेरा अगला सवाल सर आप कुछ ओके ओके लास्ट क्वेश्चन आप प्लीज। ठीक है सर, सर मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है कि जैसे जिस तरह धरती पर जो चीजें हैं कई ऐसी चीजें हैं जो चांद पर डिपेंड करती, जैसे हाई टाइड लो टाइड इस तरह की तमाम चीजें, तो क्या कल को ऐसा भी सामने आ सकता है कि चांद पर जो चीजें हैं वो धरती से प्रभावित होती है? नहीं, देखो ओवरऑल चांद 1740 किलोमीटर की रेडियस वाला है, जैसे कि अर्थ 6400 किलोमीटर का है, तो अर्थ से ये चार गुना छोटा है। स्पेस में कोई भी चीज जिसका अपना मास होता है जिसका अपना वेट होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो मून की अपनी ग्रेविटी है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है। अब ये देखा होगा जब पूर्णिमा होती है, जब फुल मून नाइट होती है, तो समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं, तब टोटलिटी में पूरा सी और ओशन के पास चंद्रमा की जो ग्रेविटी काम करती है और उसे पानी को ऊपर ले आती है, तो ज्वार भाटा बनने का जो एक रीजन वो यही होता है कि चंद्रमा का एक्सपोजर। ओके तो एक सैटेलाइट से जाना या कुछ लोगों का चंद्रमा पर पहुंचना ल्यूना मिशन करना इससे कोई अर्थ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा का साइज तो अफ्रीका के बराबर है। अब अफ्रीका में कोई एक आदमी कम हो जाए ज्यादा हो जाए इससे ओवरऑल तो ग्रेविटी पे नहीं फर्क पड़ेगा। जी निहारिका ठीक है, अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप इसे ये रिकॉर्डिंग था राइट? इट्स नॉट। तो आपने यहाँ पर सुना कि उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 को लेकर सभी चीजों की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसरो के जो वैज्ञानिक है वो बेहद यहाँ उत्साह से भरे हुए, उन सभी लोगों का विश्वास है कि कल किसी तरह की गलती नहीं होगी और 23 अगस्त को ही यहाँ पर लैंडिंग जो है वो हो जाएगी। हालांकि प्लान बी जो है वो पहले से तैयार किया गया है कि अगर कल किसी भी तकनीकी खामी या वेदर की वजह से या तमाम कोई भी चीज होती है जिसकी वजह से कल लैंडिंग नहीं हो पाती है तो 27 तारीख को लैंडिंग की जाएगी और एक बार दोबारा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें देश की तमाम जगहों से तस्वीरें
आना शुरू हो चुकी है, जहां पर लोग यज्ञ कर रहे हैं, राखियां चंद्रयान 3 के नाम से बिकती हुई नजर आ रही है। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले आपको नई तस्वीरें दिखाई जिसमें साफ तौर पर चंद्रमा पर जो गड्ढे हैं जिसमें कहा जाता है कि चांद में दाग होता है, वो दाग आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब पहले सिर्फ कहानियां हम सुनते थे कि चांद में दाग होता है, लेकिन अब इन तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो लैंडर के थ्रू आना शुरू हो गई है। 70 किलोमीटर से ये तस्वीरें सामने आई जो बेहद खूबसूरत भी है और हमारी जो टेंशन है वो भी बढ़ा रही, क्योंकि इस पे जो गड्ढे हैं वो यहीं से इतने बड़े दिख रहे हैं। तो बाद में जब वहां पर सामने से लैंडर ये गड्ढे देख रहा होगा उस वक्त वहां पर वो गड्ढे बेहद ज्यादा बड़े होंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की यहां पर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की तमाम तैयारियां हमने कर ली है। इसरो यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है कि कल किसी तरह की गलती नहीं होगी और गलती को सुधारने के लिए तमाम उसमें टेक्निक और जो प्रयास है वो लगातार जारी है। आज रात से कल तक लेकर लगातार ये टेक्निक जो है, तमाम मशीनें हैं उनकी यहाँ पर जांच जो है वो होती रहेगी, और कोई फैक्टर अगर तय नहीं हो पाता है तो 27 तारीख को यहाँ लैंडिंग होगी। इसी बीच अगला बयान जो है वो आपको सुना देते, क्योंकि तमाम जगह से बयान आना शुरू हो गए हैं चंद्रयान 3 के लिए। अब समय जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी मदद से अलग अलग सैंपल्स लिए जाएंगे और अलग टेस्ट किए जाएंगे। सर, अगर मैं विश्व मानचित्र की बात करूं तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर भी काम कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल रहे हैं। भारत के हिसाब से अगर बात करें तो भारत का ये जो मिशन ग्लोबल स्पेस मैप पे क्या छाप छोड़ रहा है? देखिए, अगर जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर भारत ने साउथ पोल को ही क्यों चुना? क्या वहां पर सर ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि पानी है या बर्फ है या कुछ अन्य जैसी माइनिंग चीजें हैं, और क्या वहां पर सर माइनिंग भी हो सकती है? आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि हाँ, वहाँ पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम-3 के होने का अंदेशा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज़्यादा फायदे थे इसलिए था। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, माइनिंग एक तो है कि छोटे सैंपल लाने का, वो तो कोई भी मिशन लैंडर कर सकता है, पर जो माइनिंग आप कह रहे हैं, हाई क्वांटिटी की माइनिंग अगर होनी हो, ये ज़्यादा जैसे माइनिंग जमीन पर होती है, अर्थ पर होती है, अगर वैसी होने, उसमें होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि माइनिंग का मतलब है पहले हमारे पे ये क्षमता होनी होगी कि हम आदमी को वहाँ पर लैंड कर पाएँ, अपने रोबोट्स को वहाँ लैंड कर पाएँ, और मेरे विचार से तो माइनिंग वहाँ रोबोट्स की मदद से ही होगी। सर, एक सवाल ये भी है कि चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग होती वो नहीं हो पाई थी, लेकिन उस चंद्रयान 2 के जो रोवर था विक्रम लैंडर, उसने जो अपना काम था वो कंटिन्यू कर रहा था, और चंद्रयान 3 का जो अभी कांटेक्ट है उनसे हो गया है और जो कम्युनिकेशन है उन दोनों में स्थापित हुआ है, ये कैसे सर हुआ है? देखिए, वो उनका सिर्फ लैंडर नहीं गया था, बाकी जो ये रोवर था ये तो घूम रहा था, ये चांद के चारों ओर घूम रहा था, और इसकी मदद से कम्युनिकेशन होने का एक ऑल्टरनेटिव मींस इसरो ने रखा हुआ था, और उसको वो टेस्ट कर पाए कि उसके चंद्रयान का लैंडर जो है, चंद्रयान 3 का लैंडर है, वो चंद्रयान 2 के रोवर से कम्युनिकेट कर पाया, और वो एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है अर्थ में कंट्रोल स्टेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए। सर, किस तरह की चीजें सर अभी आपको नजर आ रही है कि जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ है, किस तरह हेल्प की है उन्होंने, जो फोटोग्राफी उन्होंने देखी है, और क्या क्या आपको लग रहा है कि सर उसने हेल्प की होगी, और अभी की स्थिति में देखा है तो जब का लैंड होगा उससे पहले भी क्या चीजें बनी हुई है सर? देखिए, वो यही है कि मतलब चंद्रयान 2 को हुए हुए इतना समय हो गया है, पर फिर भी उसके सिस्टम्स, उसका जो रोवर है वो अवेलेबल है, और ये प्रूव करता है कि इसरो का जो इक्विपमेंट कितना रोबस्ट और कितना अच्छा बना हुआ है, और मुझे तो इस बार पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 में जितनी खामियां पिछली बार चंद्रयान 2 की थी, उसको देखते हुए चंद्रयान 3 को ऐसा इफेक्टिव बनाया है कि ये लैंडर निश्चय ही सक्सेसफुल होगा। सर, ये भी जानकारी आ रही है कि जो लैंडर है उसके जो पिलर्स, जो लेग्स हैं, बता रहे हैं कि बहुत मजबूत बनाए गए हैं इस बार, ताकि जो सॉफ्ट लैंडिंग जब हो तो क्रैश होने का भी खतरा ना हो। जी हाँ, इस बार सर किस तरह का वो जो लैंडर बनाया गया है, उसकी क्षमता ये बढ़ाई गई कि उनकी जो लेग्स हैं उनको और स्ट्रांग बनाया गया है, कि थोड़ा अगर स्ट्रांग झटके से भी लैंड हो तो वो फिर भी ठीक से लैंड हो पाए।
और टॉपल ना। यही कारण है कि सर जो चंद्रयान 2 थोड़ा सा मिशन अनसक्सेसफुल रहा था उससे सीख लिया हमारे डेफिनेटली। और इसरो के चेयरमैन के अनुसार सारे लेसन्स जो खामियां उसमें पाई गई थी उनको इसमें दूर किया गया है। और ये जैसे उनके हिसाब से एक फेल सेफ मिशन है। जैसे अब इस बार जगह भी जो चुनी है वो छोटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी जगह चुनी है कि अगर लैंडर को थोड़ा दाहिने या बाएं जाना पड़े तो 4x2 के इलाके में जाके कहीं भी लैंड कर पाए। सर चूंकि आप स्पेस के लिए काम करते हैं, इंडियन स्पेस एसोसिएशन से हैं, कितना आपको एक ये मोटिवेशन है कि ये जब ये लैंड करेगा तो भारत के लिए आने वाले समय में सर क्या क्या दरवाजे खुलने वाले हैं स्पेस में? देखिए पहले तो ये हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का विषय कि हम उन देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर लैंड किया है। उसके अलावा आगे की एक्सप्लोरेशन में सिर्फ चांद ही नहीं, उससे आगे मार्स या और प्लैनेट्स में जाने के लिए भी मून में जाना निश्चय ही सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, वहाँ सक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक हमारे देश की पूरी देश की प्राइड को हमारे को एक आत्मविश्वास दिलाता है कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सबसे अच्छे साइंटिस्ट में। और रही बात दूसरी लूनर इकोनॉमी की, जैसे चांद में आगे फ्यूचर में जैसे कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन होगा, माइनिंग होगी और एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ से, इन एक्टिविटीज़ का हिंदुस्तान भी लीडिंग हिस्सेदार होगा। और उस हिस्सेदारी में मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी साथ में पार्ट लेंगी।